जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज हम एक विशेष चर्चा को साथ लेकर चलेंगे, जो कि है जब आपका मरीज, जब आपका पेशेंट विश्वास ही ना करे आपके हीलिंग पर, उसे आस्था ही नहीं है, उसे भरोसा ही नहीं है आपके हीलिंग पर। क्योंकि किसी भी हीलिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी तथ्य घटक जो होता है, वो आपके रिसीवर का, आपके मरीज का विश्वास ही होता है। और अगर वो विश्वास ना करे तब हम कैसे हीलिंग करें। आज कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को हम पकड़ेंगे जो कि विज्ञान से हम समझते हैं। ऑकल्ट साइंस और मेडिकल साइंस, अगर इसे कहीं ना कहीं हम सिंक्रोनाइज कर दें तो भरोसा करना और कराना बहुत आसान हो जाता है। हाँ ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं फिर से, मेरे सिर के बाल मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के बाद ये मेरा पहला वीडियो शूट हुआ है और बुद्ध पूर्णिमा में मैंने अपने बाल निकाल दिए, क्योंकि कुछ ऐसे हर बुद्ध पूर्णिमा में कुछ नई चीज़ों को हम सीखने का संकल्प लेते हैं, नई साधनाओं को करने का संकल्प लेते हैं और उसी में हम आगे बढ़ गए। तो चर्चा ये है कि विश्वास ना रहे तो क्या करें। तो सबसे पहले आप समझिए कि जब किसी को विश्वास ना हो, कोई आस्था में बंधे ही ना, तो उसके साथ हमें क्या चर्चा करनी, कैसे उनकी काउंसलिंग करनी, कैसे उनके साथ संवाद करने। क्योंकि अगर उन्हें हीलिंग पर भरोसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें आप पर भरोसा हो जाए ये भी काफ़ी है। यानी कि आपकी वाणी, आपके शब्द और आपका ज्ञान, अगर तीनों सिंक्रोनाइज हो जाए, तीनों आपस में अलाइन हो जाए, तीनों एक दूसरे से मेल खाने लगे, मतलब एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाए कि आपकी वाणी, आपके शब्द और आपका ज्ञान, अगर तीनों ऊर्जा आपस में अलाइन हो जाए कि आपकी वाणी कैसे आ रही है, आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और आपका ज्ञान, कि अगर ज्ञान नहीं है तो कितनी भी मीठी वाणी हो, शब्द अच्छे नहीं आ पाएंगे। कितने भी अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लो, अगर वाणी अच्छी नहीं है तो ज्ञान और शब्द दोनों ही काम नहीं आएंगे। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप मुझे देखिए, जब मैं बातें करता हूँ आपको विश्वास होता है, आपको आस्था आती है। क्यों? क्योंकि मेरी वाणी, मेरे शब्द और मेरा ज्ञान तीनों आपस में अलाइन हो पाता है। अब देखने की बात ये है कि मेरी भाषा साफ नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। ना मैं हिंदी में बहुत अच्छा हूँ, ना मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ, ना मैं संस्कृत में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन सभी भाषाओं को जोड़कर टूटी फूटी आपके सामने मैं पेश करता हूँ और आपको वो अच्छा भी लगता है ना। तो एक हीलर के अंदर यही गुण होना चाहिए कि वो जो भी बोलेगा अंदर से बोलेगा, हृदय चक्र से बोलेगा। ध्यान रखना, अगर आप एक हीलर बनना चाहते हैं तो आपका सबसे शक्तिशाली जो चक्र हो सकता है, आपकी सारी शक्तियाँ जो होती है वो होती है हृदय चक्र में। जब आप इस शक्ति का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो अपने आप आपके नीचे के चक्रों में भी ऊर्जा रहेगी, जिससे आप में स्थिरता बनी होगी, और आपके ऊपर के चक्रों में भी ऊर्जा आने लगेगी, जिससे आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, आज्ञा से जुड़ जाएंगे, कमांड आ जाएगा और वाक शुद्धि हो जाएगी। तो हृदय चक्र आपका सबसे ज़्यादा बलशाली होना चाहिए। जब भी कोई मरीज, जब भी कोई रिसीवर विश्वास नहीं कर पा रहा तो अपने हृदय चक्र पर बल दीजिए, और आप देखेंगे जैसे ही आप अपने हृदय चक्र पर बल देना शुरू करेंगे, आपका ये ट्रायंगल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। हर इंसान के शरीर में तीन तरह का दिमाग होता है। दिमाग तीन रूपों में होता है। एक जो सिर की इस खोपड़ी के अंदर होता है, ब्रेन, जिसे हम सब जानते हैं। दूसरा होता है गट, हमारे इंटेस्टाइन में करीब 100 ट्रिलियन गट बैक्टीरियाज होते हैं हर इंसानी शरीर में। ये बात और है, आजकल के खाने पीने की वजह से, फास्ट फूड, जंक फूड्स की वजह से वो संख्या कम होती जा रही है, इसलिए वो दिमाग भी कम होने लगा है। कई बार ऐसा होता है ना, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है, मुझे एकदम गट फीलिंग आ रही है कि ये होने वाला है या ये नहीं होने वाला, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये फीलिंग यहाँ आती है, गट में आती है, जो पेट में होता है, आपके इंटेस्टाइन में।
ये वैज्ञानिक रूप से समझा रहा हूँ, ये ऑकल्ट साइंस नहीं है, ये मेडिकल साइंस है। मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, मैंने इसे पढ़ा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने इसके समझा है। तो गट बैक्टीरिया भी ब्रेन होता है, उस सारे बैक्टीरियाज आपको हमेशा फीलिंग दे रहे होते हैं। तीसरा ब्रेन जो होता है वो होता है हार्ट। हार्ट चक्रा मैंने अभी कहा था, मैं आपके सीधे हार्ट की बात कर रहा हूँ जो धड़क रहा है। ये दिल हमेशा, जब भी कुछ अजीब होने वाला होता है या कुछ अजीब हो रहा होता है या कुछ बहुत तेज़ हो रहा होता है या बहुत डरावना हो रहा होता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। आपका हृदय आपको सब कुछ बता रहा होता है, मतलब कि ऐसी फीलिंग जो यहाँ नहीं आई, जो यहाँ नहीं आई वो यहाँ आ जाती है। कई सारे मामलों में इस पर एक पूरी किताब लिखी गई है, कभी फुर्सत से पढ़िएगा। कि 1985 की बात है, एक लड़की जिसका हार्ट का सर्जरी हुआ, उसके दिल में छेद था, उस समय उनकी हार्ट की सर्जरी हुई, उसे हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, मतलब किसी और का हार्ट लगाया गया। और हार्ट लगने के बाद, सब कुछ ओके होने के बाद, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने पूछा क्या खाओगी। बस मतलब एक होता है ना कि पेशेंट को चिल करने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए पूछते हैं क्या खाओगे, ताकि उसके मनपसंद कुछ ला के दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी सर्जरी से गुजरे हैं वो। तो उस बच्ची के मुँह से निकला कि मैं चिकन रोस्ट खाऊंगी और फलाना शराब पीऊंगी। ये बोलने के बाद वो बच्ची खुद हैरान हो गई। 20-22 साल की बच्ची थी, लड़की थी, युवा लड़की थी। वो हैरान हो गई कि ये मेरे मुंह से क्या निकल रहा, ऐसा क्या है जो मेरे, उसके घर वाले भी हैरान, ये बच्ची तो, क्योंकि वो वेजिटेरियन थी, कभी शराब उसने पिया ही नहीं था। तो ये समझ में आया कि जिस लड़के का वो दिल था, हृदय था, हार्ट था, जो बाइक एक्सीडेंट में मारा गया, उसके जैकेट में वही शराब थी और वही चिकन था खाने का। मतलब कि उसके दिल में वो मेमोरी कैद थी कि ये चिकन और ये शराब मुझे पीना है। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद पिछले बॉडी की आदतें, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, प्रेम, नफरत, ये सारी चीज़ें इन्हें प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये है कि आपके हृदय में भी ब्रेन है, वो भी मेमोरीज को स्टोर करता है। छोड़िए, ये तो शरीर के अंग हो गए, जल, पानी, पानी मेमोरी को स्टोर करता है ना? तो आप समझ चुके हैं कि शरीर में 3 तरह के दिमाग होते हैं। तो आपका मरीज हो सकता है यहाँ से विश्वास ना करे, लेकिन एक ही तरह के काम को बार बार करते रहने से, जो भी आप रिचुअल उन्हें बताओगे, कोई भी ऐसा रिचुअल जो आप उनसे करवा सकें, जब भी आप उनकी हीलिंग कर रहे हैं, कोई भी एक रिचुअल, कि आप सुबह 5:30 बजे ध्यान करने के लिए बैठिए, या कोई मेडिटेट करने के लिए बैठिए, या फिर रात को सोने से पहले ये ध्यान करने के लिए बैठिए, या इस तरह का कपड़ा पहनिए, या इस तरह के रंगों के साथ रहिए, इस तरह के फूल में रोज पानी दीजिए, या इस तरह की जगह पर जा करके आप, कोई भी रिचुअल आप बता सकते हैं, कुछ भी आप, पूर्णिमा की रात का कोई रिचुअल बता सकते हैं, अमावस्या की रात का कोई रिचुअल बता सकते हैं, क्योंकि आपकी हीलिंग में ये पावर है कि आप उन्हें जो भी संदेश दे रहे हैं, जो भी अफर्मेशन दे रहे हैं, जो भी ऊर्जा पास कर रहे हैं, उससे उनकी समस्या हल हो जाएगी। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी बात है, क्योंकि अगर वो विश्वास कर जाएं तो वो आपसे अलाइन हो जाते हैं, वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। मतलब कि आप एक नल खोलने वाले भैया हो, जो कॉलोनी में होते हैं नल खोलने वाले भैया, आप नल खोलने वाले भैया हो, आपने नल खोला और वो नल पानी सबके घर में पहुंच रहा है, तो आपने इसके घर में नल का पानी पहुंचा दिया। जब तक ये अपने घर का नल नहीं खोलेंगे, अपने घर के नल की टोटी नहीं खोलेंगे, उनके बाल्टी में पानी कैसे भरेगा? तो अगर उन्हें विश्वास है, अगर उन्हें विश्वास है, अगर वो पूरी तरह से आप पर समर्पित है, अपने आप को सौंप दिया है परमात्मा के सामने, आपकी हीलिंग के सामने, तब तो हीलिंग में कोई बाधा नहीं है। 10 में से 8 हीलिंग तो आपकी ऐसे ही होगी। ये 10 में से 2 जो हीलिंग होती है, उसके लिए कुछ ऐसा करना होता है जिससे वो नल खुद खोलना पड़े, मैनुअली उन्हें नल खोलना पड़े। तो जब आप कोई रिचुअल उन्हें बताएंगे, कोई ऐसा कठिन रिचुअल जो, ये सहज सरल रिचुअल जो उन्हें रोज़ करना हो, या एक ऐसे कठिन रिचुअल जो उन्हें कभी कभी करना हो, तो जब वो उसे करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो अपने घर का वो नल खोलेंगे, जिससे उनकी हीलिंग
बहुत अच्छे से होगी। अभी हाल फिलहाल में 3 कैंसर पेशेंट हील हो चुके हैं हमारे हीलिंग से, और हमारे ही लोग आपस में जो हमारे जो जो हमसे सीख रहे हैं, जो हीलिंग सीख रहे हैं, उनके द्वारा भी कई कैंसर पेशेंट हील हुए हैं। घुटने का दर्द, पेट का दर्द, रिश्ते, पैसे, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ हील करना बहुत आसान है, क्योंकि हर चीज़ ऊर्जा है। इस ऊर्जा को बस इसके फॉर्म को बदलना होता है। कोई भी ऊर्जा नेगेटिव नहीं होती है। ध्यान रखना, जब भी हीलिंग साइंस को हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो एक बात को हमेशा समझना कि इस यूनिवर्स में कहीं भी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, यहाँ सिर्फ एनर्जी होती है। हमने अपने तरीके से उसे नेगेटिव या पॉजिटिव नाम दिया है। जो हमारे काम का है, जो हमें अच्छा लगता है, उसे हम पॉजिटिव बोल देते हैं, और जो हमें समझ में नहीं आता, उसे हम नेगेटिव बोल देते हैं। तो यूनिवर्स में कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है, यूनिवर्स में केवल ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा को इस फॉर्म से बदल कर उस फॉर्म में लेकर जाना ही हीलिंग कहा जाता है, वो भी हमारे द्वारा दिया हुआ ही नाम है, ताकि हमें समझ में आए, है ना। तो चाहे वो रेकी हीलिंग हो, लामा फेरा हो, एंजल हीलिंग हो, प्राणिक हीलिंग हो, सारे हीलिंग एक ही दिशा पर काम करने के अलग अलग तरीके हैं। आशा करता हूँ यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।